सो हे गाइस, एक्सक्यूज मी अंकल, आपका नाम? विजय। विजय, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क है क्या? तो आप यहाँ इधर क्यों, आपको दिक्कत है क्या कोई? अरे आप लोग, तो आज हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं, वो भी 1.5 साल बाद। और वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, चलिए वीडियो को एंजॉय करिए। भैया एक मिनट, दो मिनट दीजिएगा, कैमरा है। हाँ, मतलब ये जो छोटे लोगों को जो ड्रग सप्लाई करते हैं, ठीक है, ये जो मतलब जो नशा वसा करते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कुछ बना होना के बोल दीजिए कि ये गलत बात है वगैरह वगैरह बोल दीजिए। मतलब गलत बात है ये है, हम लोग से क्या करें। तो आपका नाम क्या अंकल? उमा प्रसाद गुप्ता। हाँ हाँ, उमा प्रसाद गुप्ता। कौन सी गुप्ता? तो ये अंकल, ये पाथक गुप्ता, ये वही अंकल है जो कल रात पुलिस स्टेशन के सामने जो चोरी हुई थी उनमें इसका हाथ था। और ये देखिए, ये अपने बातों से मुकरते हुए, और ये तो ये है। एक्सक्यूज मी भैया, आपका दो मिनट चाहिए। तो वो सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाइए, साइड में आ जाइए। तो आपका नाम क्या है? अर्जुन वास्तव। अर्जुन वास्तव, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वही अर्जुन है जो रात होते ही चील बबूले हो जाते हैं और रात को लोगों के घरों पे घुसकर और खाना चोरी करते हैं। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? राहुल। एक्चुअली क्या हुआ ना, कल यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, तो लड़की मतलब आपस में खूब लड़े थे, उनका खून वून बहा था, एक दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए लड़े थे। तो आप मतलब एक्चुअली हमें मिल नहीं रहा जिसने देखा था, तो आप कुछ बना के कुछ बोल दीजिए अपने से। हो रहा क्या? यहाँ लड़ाई तो हुई थी, एक दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए लड़ रहे थे जी। कुछ लड़कियाँ इधर की थी, कुछ लड़कियाँ उधर की थी, काफ़ी मारपीट हुआ था। ये इधर ही तो ईंटा फेंका हुआ था जी, मार उड़ के जी, काफ़ी मारपीट हुआ था, ईंटा वटा मारामारी हुआ था। एम्बुलेंस भी आई थी? एम्बुलेंस आई थी, उसके पीछे पीछे पुलिस भी आई थी। जैसे पुलिस आई, दोनों को सारे के सारे गायब हो गए यहाँ से, जैसे रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। आपका नाम क्या है? राज। राज, तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल मंदिर के सामने एक कुत्ते ने 10 लोगों को काट लिया, वो पागल हो गया था। तो आप ऐसे ही कुछ बना बना के मतलब कैमरे के आगे बोल दीजिए। हाँ ठीक जी, बोलिए। ये और आके बोलिए। हाँ, मैंने देखा था कि कुछ बच्चे थे जो कुत्तों को छेड़ रहे थे, फिर सब जो कुत्ते थे उन लोगों ने सब बच्चों को काट लिया। उसके बाद आदमी आए, कुत्तों को भगाया, फिर बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए। अरे कहना क्या चाहते हो? कि ये अंकल आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी अंकल, सुनिए ना, आप क्या आप विनोद को जानते हैं? नहीं एक्चुअली मतलब आपका नाम क्या है? मेरा ये कैमरा में देख के बोलिए। मुन्ना वर्मा। मुन्ना वर्मा, एक्चुअली यहाँ पे जो मतलब विनोद नाम का एक बंदा यहाँ पे टट्टी करके भागा है, तो आपको क्या पता है कि विनोद कौन है? नो। तो आप कुछ मतलब लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं कि जो लोग ऐसे टट्टी करके भागते हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? ये तो गलत काम है, नहीं करना चाहिए। जैसे कि अंकल ने बताया ये गलत काम है, और अंकल ने उनको एक बार, अंकल कुछ और मिला जुला कर बोल दीजिए, मैं काट दूंगा सिम। कुछ बोल दीजिए, गलत काम है वगैरह वगैरह कुछ। तो वो तो बोल ही रहा है गलत काम है, करना नहीं चाहिए। जी जी, इंसानियत के हिसाब से तो यह गलत चीज़ है, उसके लिए शौचालय बना हुआ वहाँ जाकर उनको करना चाहिए। मोदी जी ने शौचालय भी बनवाया है। थैंक यू, थैंक यू।